नसीम अख्तर ये सवाल करते हैं और इनका सवाल मियाँ बीवी के अज्वाजी ताल्लक़ात के मुतालिक है अगर आप फैमिली में बैठे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें नसीम अख्तर सवाल करते हैं हामला बीवी के साथ अगर शौहर मुलाकात करना चाहे तो क्या ये जायज़ है कोई गुनाह तो नहीं रहनुमाई फरमाए यानी इनका सवाल है कि अगर बीवी हामला है प्रेग्नेंट है तो शोहर का उसके साथ अज्वाजी ताल्लुक़ कायम करना यानी हम बिस्तरी करना ये शरान जायज़ है कोई गुनाह तो नहीं मैं इस मसले को थोड़ा वजाहत के साथ बयान कर देता हूँ कि शर्ण कब कब बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है क्योंकि ये जो मसाइल हैं हया की वजह से ना लोग ज़्यादा पूछते हैं और ना ही ये ज़्यादा मसाइल जो है डिस्कस किए जाते हैं देखें शर्यन कब जायज़ नहीं है मियाँ बीवी का मुलाकात करना यानी हम बिस्तरी करना नंबर एक पर जब औरत हैज़ की हालत में हो पीरियड की हालत में हो उस वक़्त मियाँ बीवी का जिमा हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है नंबर दो पर जब औरत निफ़ास की हालत में हो निफ़ास यानी बच्चे की विलादत के बाद जो चंद अयाम तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है अयाम में भी शोहर बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है नंबर तीन पर रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है शरीत ने मना किया है और नंबर चार पर एतकाफ की हालत में चाहे शौहर एतकाफ की हालत में है या फिर औरत एतकाफ की हालत में है तो इस दौरान भी मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम करना ये जायज़ नहीं है नंबर पाँच पर अहराम की हालत में हज या उम्र का एहराम बांध लिया तो उसके बाद भी मियाँ बीवी का मुलाकात करना ये शरान जायज़ नहीं है इन पांच हालतों में मियाँ बीवी का मुलाकात करना यानी हम बिस्तरी करना मना है जायज़ नहीं है और इसके अलावा बाकी जब चाहें मियाँ बीवी हम बिस्तर हो सकते हैं शरान कोई ममानात नहीं है अब रहा यह मसला कि अगर औरत प्रगनेट है हामला है तो उसके साथ हम बिस्तरी करना ये कब तक जायज़ है बाद लोग ये सवाल करते हैं कि कितने माह तक जो है वो मियाँ बीवी हम बिस्तर हो सकते हैं तो इस हवाले से शरान कोई मुमानात नहीं है बिल्कुल शरीयत की तरफ़ से कोई मना नहीं है हाँ अगर डॉक्टर इस तरह इस बारे में गाइड कर दे बता दे कि अब अगर शोहर बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा तो इससे बच्चे की सेहत पर कोई असर पड़ेगा यानी हमल पर कोई असर पड़ेगा या फिर जो है औरत की सेहत पर कोई असर पड़ेगा या औरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती इस हालत में तो फिर बयान फरमाते हैं कि मर्द के लिए ये लाजिम है वाजिब है कि वो उस औरत अलहदगी अख्तियार करे उन दिनों में जब बीवी इस हालत में हो तो बाकी जो है शरान कोई ममानात नहीं है अगर डॉक्टर इस बारे में कोई इतला नहीं देती कोई इस बारे में गाइड नहीं करती कि हाँ सही है दुरुस्त है हमल भी सही है औरत की सेहत भी है तो मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर सकते हैं शरान कोई ममानात नहीं है अगर डॉक्टर मना कर दे तो फिर रुकना और इख्तियार करना ये शोहर के लिए लाजम है